अच्छा अखिलेश तो कुछ काम किए थे माजी? हाँ किन्ना लड़कन को जीफा बांटे ने मद्दा राशन पानी करते रहे। अखिलेश अता बहुत बढ़िया काम करते रहे, सब जगह अवत तो रहा है जी, तो झलकी तक नहीं दिखा रहे, टीवी पर भाषण मारे रहे सामने तो हमें पब्लिक के। तुम्हारे तो पक्का ठाड़ हवे, पक्का ठाड़ पकड़ का तुम दिन हो का। अम्मा कौन कहता ये सब जौन देखा है वो तो है बैंगन जो लटा घूरे पर फेंकत रहे बकरी नहीं खाती रहे, वही तक 60 रुपए में है बताओ। वही तो जब मैं धर लेने अपन भतल्ला घूम ही रहे हैं इसी वजह से। विकास के तौर पर अभी तक तो उत्तर प्रदेश या गाँव के अंदर सरकार ने क्या क्या किया है माँ जी, आप बताएं कुछ योजना? कुछ नहीं की नहीं भैया, ना कॉलोनी है ना वो है ना नाली देखो सब बह रही, बच्चा डूबत बचाते हैं तो बताओ घर में कहाँ तक बैठ रही, ये घर बनवाने अपनी कमाई तेरे बताओ। तुम्हारे तो पक्का ठाड़ हवे, पक्का ठाड़ पकड़ का तुम दिन हो का। अम्मा कौन कहता ये सब जौन देखा है वो तो लिख रहे हैं इसी वैसी देखो भैया कॉलोनी दे दो, कहा तुम्हारे तो पक्का बना है, पक्का तो हमारे भैया अपनी कमाई बनवाए है, तुम दे तो तुम्हारा एहसान माने कुछ। जी 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 है ना, नहीं नहीं तुम दो मतलब मजी समझे नहीं, कौन सरकार दे? औका सरकार दे हमका तो हम का एहसान माने, और बेर बेर जीते का सब पब्लिक भर जीते, पब्लिक का जब परेशान है तो सरकार कैसे जिता दे पहले यू बताओ हमका। अच्छा अच्छा 2022 की बात कर लें, अभी जो इलेक्शन आना है तो माजी उसमें क्या लग रहा है, अखिलेश यादव आएंगे योगी जी फिर से आएंगे सत्ता में? हाँ मैं कौन माजी आया ये बताओ। अरे यादव आवे तो सब है बढ़िया है भैया। अखिलेश यादव हाँ, क्या लग रहा है कि जनता आपकी बार अखिलेश यादव के प्रति प्यार दिखा रही है? हाँ हाँ भैया उनका तो वोट जरूर दे अब हम। अच्छा अखिलेश यादव कुछ काम किए थे माजी? हाँ किन्ना लड़कन को जीफा बांटे ने मुलायम सिंह उनके बाप आए हैं, और सबका लड़कन देते रहे मद्दा राशन पानी करते रहे, सब्जी मद्दी मॉल बिकते रहे और सब खाते रहे भैया। अब तो देखो बाबा मॉल मोदी के है परे हैं, प्याज 80 रुपए किलो है, गरीब आदमी हम बताओ अपने बच्चे जिये कि तो हम प्याज ले ले खवाई लहसुन ले ले खवाई, बैंगन जो लटा घूरे पर फेंकत रहे बकरी नहीं खाती रहे वही तक 60 रुपए में है बताओ, 80 रुपए में टमाटर है कौन चीज हम बच्चे ने खवाई, मंजूरी कत्ती 250 दिन भर फरुहा चलाओ झुके झुके नेहुरा मुर्गा बनो। मैं बताओ तू गैस दे दी है वही अत्ते अत्ते चूल्हा वही मैं बड़ी पतीली ना भगोना कुछ उतर जाती नहीं है, बताओ तू मोदी कह रहा है मोदी कैसे आई मतलब कि कहने का मतलब है कि बर्तन बर्तन इतने छोटे हैं हाँ। और इस वजह से कि उसमें सामान नहीं आ पाता। सुनाओ जैके घर में 10 लोग खाना नहीं बन पाता हाँ, तो जैसे चूल्हा बड़ा हो तो वही में बड़ा भगोना चढ़ जाए भैया है ना, लोकल चूल्हा दे रहे हैं। अच्छा कहने मतलब ये लीजिए उज्ज्वला योजना पर भी निशाना साधा गया यहाँ पर, जो सिलेंडर उत्तर प्रदेश सरकार या सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो बांटे जा रहे हैं गांव गांव घर घर में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर वगैरह, उसमें भी धांधली की छाप छोड़ी जा रही है यहाँ पर माँ जी द्वारा। यहाँ पर कई लोगों ने आरोप लगाया है कि जो सिलेंडर वगैरह वितरण किए गए जो चूल्हे वगैरह दिए गए वो भी कहीं ना कहीं नकली हैं, उसमें भी धांधली की जा रही है क्या अधिकारियों द्वारा? आप मुझे कुछ बताएं सरकार के बारे में, कुछ काम किया नहीं भैया सरकार के बारे में क्या कहें, अखिलेश था तो बहुत अच्छा था, अच्छा। और मोदी बन गए तो ये तो चाय बेच के बन गए, चाय बेचते थे पहले अखिलेश यादव तो दूध बेचने वाले। अरे अखिलेश यादव बढ़िया आदमी थे, सबको पिल्सन देते थे, बकरियां देते थे पैसे से, बकरियां लाओ पालो आराम से, ये तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं और सबका खाए जा रहे हैं ये तो। अच्छा खाए जा रहे हैं मतलब कि क्या जेब से भी लिए ले रहे हैं? हाँ जेब तेरे ले ही रहे हैं भाई, नोटे बंद करा देने, आधी पब्लिक मर गए जो है गरीब भाई मर गए। अच्छा। और कहा वो तो जेब में धर लेने अपन भतल्ला घूम ही रहे हैं इसी वैसे, कहूँ हुआ जा रहे हैं कहूँ हुआ जा रहे हैं, यहाँ कहा दे दिन देख लो नाले खोले सब दिखा दे तुम, कहा चौपट पड़ा हुआ तो मोदी यहाँ हुए पहले देख जाए तब करें काम। अच्छा लोग बता रहे हैं कि मतलब कि देश के लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ काम किया, कुछ नहीं किन यहाँ का किन दे रहे हैं शहरन में दे रहे हैं यहाँ बताओ आपको दे नहीं हमका बताओ तो RCC देख लो चट्टान बना पड़ा सब चमक रहा है, अखिलेश अता बहुत बढ़िया काम करते रहा है, सब जगह अवत तो रहा है जी, तो झलकी तक नहीं दिखा रहे, टीवी पर भाषण मारे रहे सामने तो हमें पब्लिक के रहे। अच्छा कहने मतलब गांव की जनता क्या परेशान है बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा देख रहे हो सब खच्चड़ पड़ा है, गांव पूरा खच्चड़ पड़ा देख नहीं रहे हो, इतना खच्चड़ पड़ा है देखो हो तो नहीं, अखिलेश मुलायम सिंह सब तो उतर रहे देख है गावन गावन टहल रहे हैं, ये तो अपन भाषण मार रहे हैं कौन दिल्ली में बैठ कौन आगरा में बैठ कौन झांसी में बैठ। अच्छा शिवपाल यादव के बारे में कुछ बताइए, शिवपाल यादव बहुत बढ़िया वो भी चचा भतीजे सब आए हैं हाँ, वो बढ़िया, लेकिन उन पर एक विवाद चल रहा है कि पार्टी में आए कि ना आए कि ना अखिलेश है हमें अखिलेश है अखिलेश शिवपाल यादव पार्टी में आए कि ना आ जाए वो आ जाए मगर सब या कम और मशीन ना लागे या मशीने बंद करा दे तब जीते हैं अखिलेश। माँ जी से पूछेंगे, माँ जी आप कुछ कहना चाह रही थी? यू कहते रहे हाँ। भैया कि जैसे अखिलेश सिंह आवे उला तो अंगूठा तेरे वोट लें सबसे मासीन तीना लें
आप मासिन में यहाँ बेईमानी हो जाते हैं। मायावती बहुत अच्छी रहा है। अच्छा आओ का कहने मतलब मायावती जी सही थी उत्तर प्रदेश के अंदर? हाँ बहुत बढ़िया रहा है। दारू शराब बंद कर दी, जुआ बंद कर दी, गुंडेगर्दी बंद कर दी सब। अच्छा लेकिन अब आपकी बात करें माँ जी तो अब गुंडागर्दी हो रही कि नहीं हो रही? काहे नहीं हो रही, कहूँ देखते अब है वही बीचन हमारे यहाँ इसी तरह या औरत जाते रहे क्या समय के पैसा 27 लाख वही के लड़का छीन ली वो अस्पताल में पड़ी। ये कौन तरीका है मारिन के हेलमेट पर डंडा हुआ गिर गए। ये है भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति, ये है उत्तर प्रदेश की सरकार और ये है उत्तर प्रदेश का विकास कि सरकार ने अभी तक गाँव में कितना विकास किया है। हम इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि यह खबर है आपके भारत की आपके गांव की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ।